प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, यह आज इतवार के दिन 16 तारीख 16 जुलाई को ये अभी यूट्राइन टाशन का केस था। ये बेंच देख सकते हैं जबलपुर ताफी के फार्म पे। पहले हमने इसका बच्चेदानी का बल निकाला जिसको हम यूट्राइन टाशन बोलते हैं। उसके बाद ये इसका बच्चा मर गया था। ये कली लेके हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसके मुँह में हमने ये रस्सी बांध के और इसके टांगों में भी ये रस्सियाँ बांध के हमने बच्चे को निकाला है। मरा हुआ बच्चा है। बस वही है, डॉक्टर का काम था और डॉक्टर नहीं कर पाता। और ये पहले भी मेरी गाय को ऐसे हुआ था, मुझे याद है। मैं डॉक्टर को ले आया था, उसके दो बच्चे इसने निकाले। मुझे बोला कि मरे हुए दो बच्चे हैं। मेरा डॉक्टर दो कैसे होंगे, तो मुझे एक ही नहीं बोला देखना दो होंगे, तो मेरे भी एक ही नहीं था। मगर इसकी मेहनत से अल्लाह को वो दो बच्चे मैं निकाले। मेरी गाय थी 5 लाख की, वो बच गई। अभी मेरे को याद था, लोगों ने बोला वो डॉक्टर दूसरा ले आ, दूसरा ले आ। मैंने नहीं, डॉक्टर ले आऊँगा तो उसी को ले आऊँगा, ये वही केस अलो करेगा ना तो दूसरा मेरी भैंस मारेगा। माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से भाई ने मेहनत की है। आप देखते सामने इसका सलाह। मेहरबानी सर, ये देखिए सर, बिल्कुल मेरे फार्मर्स बहुत हैप्पी हैप्पी और अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इस भैंस को उठाओ, उठाओ 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 उसको, 10 मिनट इसको चलाओ कि इसकी वो पानी नहीं पिलाना अब इसको, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स देखें, ये प्लासेंटा भी इसकी बच्चेदानी से जो इसकी जेर है वो भी निकल आई है। अब इसकी ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि अंदर से रपचरिंग होगी। बच्चे को हमने खींचा है ज़ोर से तो थोड़ी सी कट वगैरह आता है। ये है कि डॉक्टर तो और आते हैं पेंट बेसिक पुल की पेंट पे के, हम देखते हैं यार ये भी है कि पढ़ा लिखा वैसे मिलता है, मगर वो ऐसे माल में घुसते नहीं है। जैसे कि ये डॉक्टर घुस जाता है ऐसे समझता है। इससे मैंने एक दिन पूछा यार क्यों, बोले यार हमको जैसे इनको भी सांस है, अगर इनको हम बचा सकते हैं जितना हलाल माल है ये हमारी हमारी सिंध की जो है तोहफा है। ये बड़ी बात है, कम मेरी 65 साल उम्र है, बहुत डॉक्टर कम करते हैं, मगर देखो अब इसकी हालत देखो तो बोलेगा ये डॉक्टर। हम गोला भी इतना नहीं करता है कि यार ख्याल करता है मेरे कपड़े होने का मालिक है, मगर ये शख्स को सलाम है, मैं सलाम पेश करता हूँ। मेहरबानी। ये देखिए भैंस बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गई है माशाल्लाह। इसको हम थोड़ा वॉक करवा रहे हैं कि जैसे ये इसकी थकावट भी उतर जाए। पीछे डग बना हुआ है इसका फार्म का, अभी आएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। डॉक्टर उबैदुल्लाह मेमन का नाम नहीं भूलेगा और सिंध वेटनरी इश्यूज़ को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अस्सलामु अलैकुम।